हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडीएच एम फ्लाइंग क्लासेस। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो अपन डेली अपने वैकेंसीज लेके आते हैं गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड, टॉप जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं डेली उसके अपडेट लेके आते हैं। तो आज की जो टॉप वैकेंसीज है उसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो जो भी कैंडिडेट्स सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उस वीडियो को जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। वीडियो जब हम लाइव क्लासेस आपके लिए हमेशा अपडेट लाते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, सरकारी नौकरी और एग्जाम से रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन, उसके साथ हम टिप्स भी हैं और अपनी क्लासेस जो चलती है वो तो चली रही है, जो कि आप जरूर फॉलो करें ताकि आपके एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो अभी जो वैकेंसी आई उसकी पूरी डिटेल अपन जानेंगे कि किस तरह का भी एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हो रहा है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो फर्स्ट जो अपना रिक्रूटमेंट है वो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसके लिए। तो इसका जो एप्लीकेशन आपका 5 जनवरी से स्टार्ट हो गया है और इसकी जो वैकेंसीज हैं वो है टर्नर इंस्ट्रक्टर की। तो जो जो भी कैंडिडेट्स हैं अप्लाई करना चाहते हैं इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो आपके एप्लीकेशन जो है आपको 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा और एप्लीकेशन फीस की जो लास्ट डेट है अपनी वो है 7 फरवरी। 61 पोस्ट जो है आपकी वो टर्नर इंस्ट्रक्टर की है, जो कि कैटेगरी वाइज अलग अलग है, मतलब जनरल की जैसे 21 है तो ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और फिजिकल हैंडीकैप की 1 है और ओएच की फिजिकल हैंडीकैप की 1 इसमें जो है वैकेंसी। उसमें आप किस मतलब कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आपकी होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल फ्रॉम AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो जिसने भी अगर रिलेवेंट फील्ड में इंजीनियरिंग और BTEC या BE कर रखा है और इक्विवेलेंट मतलब कोई जैसे कि ग्रेजुएशन जो लोग करते हैं वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी करते हैं ना, सिविल में किसी के ग्रेजुएशन, केमिस्ट्री में किसी की ग्रेजुएशन होती है, तो इस तरह से अगर इन्होंने कुछ कर रहा है, डिप्लोमा भी कर रखा है टेक्निकल फील्ड में, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन। तो 10-12 तक आपके जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी और संस्कृत 10 तक। ठीक है, प्रीफरेंस सेल भी गिवन टू डिग्री और डिप्लोमा होल्डर सर्टिफाइड पजेशन क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स। जिसने भी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है उसको प्रीफरेंस दी जाएगी। एक्सपीरियंस जिसको किस किस को दिया जाएगा ये भी अपन और भी है इसमें, एक्सपीरियंस शुड बी इन द कंसर्न ट्रेड फील्ड एंड इन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। अगर किसी इसी रिलेटेड फील्ड में आपको कोई एक्सपीरियंस है और या फिर कोई एक्स सर्विसमैन है जो कि क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है तो उनको अलग से प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 17-42 ईयर्स है। पे स्केल आपका रहने वाला है वो 35,400 to 112,400 रुपीज़ तक रहेगा इसका पे स्केल जो भी है। इसमें जो आपकी 95 पोस्ट है वो फिटर इंस्ट्रक्टर की है, जो जिसके लिए भी अब इसमें कैटेगरी वाइज क्लासिफाइड किया गया है। इसमें भी सेम वही है, इसमें इंजीनियरिंग कर रखी हो रिलेवेंट फील्ड में, आप मतलब कि अगर डिप्लोमा डिग्री कर रखा है इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, विथ प्रीफरेंस विल बी गिवन टू द डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स पजेसिंग क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स इन रिलेवेंट ट्रेड। तो जिसने भी अगर इससे रिलेटेड ट्रेड में अगर किसी ने ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा कुछ भी कर रखा है, उसको एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए अलग से इसमें जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। 66 पोस्ट आपकी वेल्डर की है, वेल्डर एंड इंस्ट्रक्टर की। तो इसमें भी इस प्रेफरेंस मतलब कि जिस भी आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी रिलेवेंट फील्ड में अगर आपने कर रखा है, उसी फील्ड में कर रखा है आपने ग्रेजुएशन या डिग्री जो भी डिप्लोमा, तो उसको अलग से प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, और सबका सेम क्राइटेरिया, एज लिमिट वगैरह सब कुछ सेम है, पे स्केल सबका सेम है। 17 पोस्ट आपकी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफी की है हिंदी में। ठीक है, तो फुल इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, फुल टाइम रेगुलर मोड बैचलर डिग्री विद मिनिमम 60% इन हिंदी सब्जेक्ट। तो मतलब कि कितने हिंदी, अब इसके लिए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफी इन हिंदी, तो इसमें हिंदी ही मांगी जाएगी। अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री 60 मार्क्स इसमें मिनिमम आप इसमें मांगे, ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो होना चाहिए। शॉर्ट एंड स्पीड जो आपकी वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और 15 वर्ड्स पर मिनट ट्रांजिशन थ्योरी ऑफ एंड 30 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग इन हिंदी। तो ये आपकी अलग से क्वालिफिकेशन दे रखी है इन्होंने। डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके मतलब कि तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सेम आपकी एज लिमिट है और पे स्किल सेम है। 20 पोस्ट आपकी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर
स्टेनोग्राफी इंग्लिश, इंग्लिश वालों को इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और वही टाइपिंग स्पीड वगैरह सब कुछ होनी चाहिए तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट इसकी जो है एप्लीकेशन फीस की, एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 4 फरवरी और एप्लीकेशन फीस की 7 फरवरी। तो आप जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई करें। सेकेंड वन अपन बात करेंगे झारखंड एक्साइज कॉन्स्टेबल की, जिसके लिए एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, उसकी भी डिटेल। इसकी लास्ट डेट 9 फरवरी है। इसमें जो आपकी 518 वैकेंसीज है, तो अगर जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो भी इसके लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर दे। इसकी लास्ट डेट आपकी 9 फरवरी है, ठीक है। इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इसमें फिजिकल क्राइटेरिया भी इसमें मांगा है, क्योंकि ये सिपाही की वैकेंसी है तो इसमें अलग से इसका शारीरिक योग्यता और ये इसका अलग से वो होगा। 10th पास अगर कोई भी है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है एक्साइज कॉन्स्टेबल के लिए, ठीक है। तो ये इसकी डिटेल। और नेक्स्ट इसमें एज लिमिट है 18 to 25 ईयर्स, और जो ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट्स के उनको उसी के अकॉर्डिंग इनका एज रिलैक्सेशन दिया गया। नेक्स्ट जो वन है अपना है बीएसएनएल। बीएसएनएल ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी निकाली है। 300 पोस्ट आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की है टेलीकॉम ऑपरेशन में। तो उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका स्टार्ट हो चुका है 26 दिसंबर से, और 26 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। और इसका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा वो होगा 17 मार्च को। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी क्राइटेरिया जो बताया गया एलिजिबिलिटी, आपके क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है, पहले एज लिमिट बता देती हूँ आपको, 30 ईयर्स मैक्सिमम इसकी एज लिमिट है। और उसमें ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट्स को जो है उनके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन मांगी है इसमें, और क्वालिफाइंग इस ग्रेजुएशन मांगी है, और इसमें क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं आपके वो है 25% मार्क्स। अभी 40% मार्क्स आपको रिटर्न एग्जाम में क्लियर मतलब स्कोर करना है, ऑनलाइन एग्जाम में आपको स्कोर करना है। और जो एसटीएससी वाले हैं उनको 36, ओबीसी वालों को स्कोर करना है 33, एसटीएससी वालों को क्वालिफाई मतलब मार्क्स इन्होंने बताए हैं जो कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा उसके लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बिफोर द लास्ट डेट। सेलेक्शन प्रोसेस आपका वही है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, रिटर्न GDPI सब कुछ होगा, तो उसके लिए भी आप अच्छे से तैयारी कर ले। इसी तरह आपके तो आप तक हम ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे जो कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी सरकारी नौकरी से रिलेटेड। तो एडिशन लाइव क्लास को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।